रविंद्र सिंह कीका जी, अखन दिनकर जी, रागिनी कुशवाहा जी जो कि महिला अध्यक्ष है, इन सब लोगों ने लगातार बाबूलाल तिवारी जी के, सुन लीजिए अध्यक्ष जी को। जी सर जी, तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज बहुत ही सकारात्मक पहल रही है और हम लोगों के भी समय अच्छे, सरकार के, जब सरकार के लोगों ने पहल शुरू कर दिया। आवाज आ रही मिश्रा जी? विक्रम जी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है, आ रही आ रही है, आ रही है। मैं जरा जब मैं जरा प्रयास, शिव कुमार शुक्ला जी, मैं जरा प्रयास कर रहा था बाबूलाल तिवारी जी से बातचीत करने का। मेरी अगर बातचीत हो गई तो मैं उनसे अभी फोन फोन पे बात कराता हूँ। मैं तो देखो, कुछ दम होती है तो मैं बातचीत करता हूँ, हर उस व्यक्ति से करता हूँ, बड़ी ईमानदारी से पत्रकारिता करता हूँ। मैं किसी बनावटी भाषा पर नहीं करता हूँ और मैं सभी शिक्षा मित्रों को ये कह रहा हूँ कि रोज नियमित होने वाले सिस्टम से बचिए, जो आपका मनोबल सुबह से शाम तक 16 बार खराब करते हैं, 16 बार अच्छा करते हैं। थोड़ा सा चिंतित आप भी होइए, मेरा जी शुक्ला जी, मैं तो मिश्रा जी किसी को बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पे चर्चा होनी है। अभी से लोग अगर लड्डू बांटेंगे तो वो खुद खुद को खुद दुखी हो जाएंगे। अभी तो वहां से न्याय निर्णय आने दीजिए, लेकिन यहाँ जो बातें हुई वो पॉजिटिव थी। आदरणीय श्री चंद शर्मा जी, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, आदरणीय अरुण पाठक जी, आदरणीय उनीश जी, आदरणीय ढिल्लो साहब के साथ दुर्ग कुमार त्रिपाठी जी व अन्य उपस्थित सभी माननीयों ने जिस तरह से हम सबके प्रकरण पर गंभीरता से अपनी सहमति और ये अधिकारियों पर प्रेशर किया है कि नहीं ये आवश्यक है और इस पे न्याय निर्णय होना चाहिए और अब विलंब होगा तो निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है, तो ये हमारे लिए प्लस है। और मैं तो बड़ा स्पष्ट बात, मैंने 5 को भी कहा, 6 को भी कहा, पिछले 3 साल से कह रहा हूं, जब तक कुछ नहीं होगा तब तक हमारा कुछ नहीं है। जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता, अंतिम दस्तखत होके हमारे हाथ में नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं है। लेकिन इस बार जो शिक्षा मित्रों ने एकता दिखाया, जो इतना बड़ा आंदोलन किया, और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं, उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। लोग कहते थे आंदोलन खत्म क्यों किया, आंदोलन बहुत सोच बूझ करके खत्म किया गया था, उसका जो आपका रिजल्ट है, परिणाम है, वो परिणित होते दिख रहा है और दिखेगा, दिखेगा भी और आपको लाभ भी होगा। आदरणीय तारकेश्वर भाई और राय साहब आए हैं, आपको भी धन्यवाद। तो लाभ भी मिलेगा और धीरे धीरे सकारात्मकता की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और शुक्ला जी का नेटवर्क कुछ गड़बड़ा जाता, हमारे साथ तारकेश्वर साई जी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है और अभिनंदन है। जी शुक्ला जी को दोबारा आना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाता। विक्रम सिंह बात पूरी थोड़ी सी कर लीजिए, फिर हम साई जी की बात सुनेंगे। विक्रम सिंह नेटवर्क। जी सर, तो वही मैं कह रहा था, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी से हमारी झांसी की टीम हमेशा फॉलोअप कर रही है, परसों कर रही है। कल जब झांसी, जब जब बाबूलाल तिवारी जी इस बैठक में शिरकत करने जा रहे थे, तो उन्होंने हमारे जिलाध्यक्ष हृदय जी, प्रिंस चौधरी जी को फोन भी किया और कहा कि आज आप लोग की बैठक में हम पूरे तल्लीनता से आप लोग के मैसेज को रखेंगे, और उन्होंने रखा भी। अभी जब मीटिंग समाप्त हुई तो बाबूलाल तिवारी जी से हमारे जिलाध्यक्ष जी का फोन हुआ था, अभी उन्होंने सूचना हमें दी है। काफी अच्छी बैठक रही और हम लोग तो आशावादी हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अनुदेशकों के, शिक्षा मित्रों के जो भी शासनादेश हैं वो जारी हो। और सबसे बड़ी समस्या जो है नियमितीकरण का मुद्दा है, मानदेय बढ़ोतरी का है। ठीक है, नियमितीकरण होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इतना तो मानदेय उत्तर प्रदेश शासन को हम लोग को देना चाहिए कि हम लोग का रोटी दाल की व्यवस्था हो पाए। कम से कम हम दो, हमारे दो और हमारे माता पिता, मतलब 6 लोगों की
रोटी दाल की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, माता पिता की दवा दारू की व्यवस्था, इतनी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सर। और लग रहा